आजादी के अमृत महोत्सव पर वो खबर जिससे आप गौरवान्वित महसूस होंगे, महसूस करेंगे। लाल किले पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तिरंगा फहराएंगे तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है, हर बार दी जाती है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार इसमें एक स्वदेशी होविट्जर तोप सलामी देगी। इस स्वदेशी होविट्जर तोप को हमारी ही संस्था DRDO ने बनाया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनी इस तोप को ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहते हैं। स्वदेशी होविट्जर तोप की ये जो रेंज है, ये इसकी रेंज 48 किलोमीटर है और पहली बार किसी देश ने इतनी लंबी रेंज वाली किसी तोप का निर्माण किया है। DRDO ने उसे दो प्राइवेट कंपनियों टाटा और भारत फोर्स के साथ मिलकर तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना के तोपखाने का ये हिस्सा बनने वाली है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर इस धमाके में रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की गूंज भी छिपी है। दरअसल सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित घरेलू होविट्जर तोप ATAGS यानी उन्नत टो आर्टिलरी गन सिस्टम की गर्जना तोपों से दी जाने वाली सलामी के दौरान सुनी जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान औपचारिक 21 तोपों की सलामी के लिए स्वदेशी तोप का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की ओर से विकसित की गई इसकी डिजाइन पूरी तरह स्वदेशी है। हर साल 15 अगस्त को ब्रिटिश तोपों की सलामी दी जाती है, इस बार 21 तोपों के साथ ये तोप भी सलामी देगी। स्वदेशी तौर पर विकसित ये तोप हथियार और गोला बारूद विकसित करने की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों की गवाही देगी। फील्ड फायरिंग में इस तोप की ताकत को आजमाया जा चुका है। इस तोप की लाइव फायरिंग के मौके पर आज तक संवाददाता मनजीत नेगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम आपको DRDO की नई अटैक होविट्जर तोप की लाइव फायरिंग दिखा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू। इस तरह से सीधा 55 किलोग्राम का जो गोला है वो करीब 48 से 50 किलोमीटर दूर चांदीपुर के समंदर में जाकर टारगेट को निशाना बनाता है और इस तरह से अब खासतौर से भारत चीन का जो तनाव इस वक्त चल रहा है, भारतीय सेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है और इसीलिए भारतीय सेना को एडवांस एक नई आर्टिलरी गन की दरकार है और DRDO 2000 से ज्यादा राउंड फायर कर चुका है। यहाँ पर हम एक साथ दो होविट्जर तोप की लाइव फायरिंग आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय सेना के बेड़े में ऐसी 1500 से ज्यादा जो होविट्जर तोप है वो शामिल की जाएंगी। मैदान में आपने इस तोप की मारक क्षमता को समझ लिया। अब आपको बता दें कि समारोह के लिए इस तोप में जरूरी तकनीकी बदलाव किए गए हैं। उसके बाद इस तोप को सलामी देने के लिए तैनात किया गया। यही नहीं, रोजाना इस तोप से गोले दागने की रिहर्सल भी की जा रही। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।